लेकिन आपको बता दें कि कल इसी समय हम फिर आपसे मिलेंगे वंदे मातरम में, और कल हमारा जो विषय है वो है कश्मीर में जिस तरीके से अलगाववादियों द्वारा पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं उस पर हम वंदे मातरम में चर्चा करेंगे और जानेंगे आपकी राय। आप अपनी राय आज से ही हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए, हमारा ईमेल एड्रेस है vmsadhana@gmail.com। एक टेलीफोन लाइन है वो प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ खुली रहेगी, आप सीधे तौर पे भी इस प्रोग्राम में इस टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे ट्विटर के जरिए और जो हमारा ईमेल अकाउंट है उसमें आप सीधे तौर पे भेज सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा हमें आपकी इस प्रतिक्रिया का, और हम स्वागत करते हैं किसी भी तरह का, कोई भी प्रतिक्रिया अगर आप देते हैं तो हम उसको इस प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे और सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो वंदे मातरम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए रचना और मुकेश को इजाजत, नमस्कार। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ओहो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। साधना टीवी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं, प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें, फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं, स्कैन कंप्लीट होने का इंतजार करें और जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मेन्यू में जाकर एग्जिट बटन दबा दें और फिर चैनल नंबर 138 पर देखें अपना पसंदीदा चैनल साधना टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 09540641414। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। Precious friends, lessons of God to enjoy and experience the power of God in your life as we pray together. मेरे प्रिय मित्र, आपका स्वागत है जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में, कि आप परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में महसूस करें जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जिंदा है। He said, उसने कहा है, I am alive. मैं जीवित हूँ। It was true I was dead. ये सच है कि मैं मर गया था। But I am alive evermore.
लेकिन मैं हमेशा के लिए जिंदा हूँ. आई एम द लाइफ, मैं ही जीवन हूँ. आई एम द रिजरेक्शन, और मैं ही पुनरुत्थान हूँ. एंड इफ यू बिलीव इन मी, यू विल ऑल्सो लिव. और अगर तुम इस पर विश्वास करो तो तुम भी जीवित रहोगे. बिकॉज आई एम अलाइव, क्योंकि मैं जीवित हूँ. आई विल मेक यू लिव, मैं तुम्हें जीवन दूंगा. डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल ना डर. यू अफ्रेड ऑफ द सिकनेसेस दैट आर बिफोर यू, क्या आप अपने जीवन में आ रही बीमारियों से डरे हुए हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ द डेट प्रॉब्लम, क्या आप मृत्यु के भय के कारण से परेशान? आर यू अफ्रेड ऑफ योर स्टडीज, क्या आप अपने अध्ययन से भयभीत हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ द विकेट डेविल, क्या आप दुष्ट और पर की ताकतों से भयभीत हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ द विकेट पीपल, क्या आप दुष्ट लोगों के कारण भयभीत हैं? डू यू से ओ ऑल दीस प्रॉब्लम्स विल डिस्ट्रॉय मी, क्या आप कह रहे हैं कि ये सारी समस्याएं मुझे नाश कर देंगी? डोंट बी अफ्रेड, कदापि न डरे. जीसस क्राइस्ट इज अलाइव, यीशु मसीह जिंदा है. ही लव्स यू, वो आपसे प्रेम करते हैं. जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्रेम करते हैं. ही इज नॉट ओनली विद इन मी, ही इज आल्सो विद यू, न केवल मेरे अंदर लेकिन आपके भी साथ है. ओपन योर हार्ट एंड टेल हिम टू कम इनटू यू, अपना हृदय खोले और उससे कहे कि वो आपके अंदर आ जाए. जस्ट टेल हिम, बस आप उसे कहें, जीसस यीशु माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, कम इनटू मी, मेरे अंदर आ जाए. I know you love me. मैं जानता हूँ आप उससे प्रेम करते हैं. Jesus, यीशु, I know you love me. मैं जानता हूँ आप उससे प्रेम करते हैं. Come into my heart. मेरे हृदय में आ जाए. He's ready to come in. वो तैयार है आने के. He will lift you. वो आपको ऊपर उठाएगा. Don't be afraid. कदापि न डरे. आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को. Tonight we are going to meditate upon the compassion of the Almighty God. आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दया के ऊपर में आज हम लोग ध्यान मगन करेंगे. If you read Genesis chapter 17 and verse 1, यदि आप उत्पत्ति 17 उसका एक को पढ़ेंगे, God has been given a peculiar name over there. परमेश्वर वहाँ पे एक बड़ा विचित्र नाम परमेश्वर को दिया गया. El Shaddai. El Shaddai उसका नाम दिया गया है. El Shaddai mean. El Shaddai का मतलब होता है. One side a mighty one. एक तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर. With unlimited power and authority. और एक ऐसा सामर्थ्य जिसके कोई सीमा नहीं. On the other side. और दूसरे तरफ में. Having the breast of a feeding mother. और एक ऐसा माँ का दिल है जिसके दूध पिलाने वाली है. One side power. एक समय एक स्थान में सामर्थ. Another side compassion. दूसरे तरफ तरस भरा हुआ है. Like a feeding mother. एक ऐसी माँ जो दूध पिलाती हो. Several years ago I was in Canada.
कई साल पहले मैं कनाडा में था। आई वॉज टेकन टू सी द ग्रेट नायग्रा फॉल्स। मुझे नायग्रा फॉल दिखाने के लिए ले जाया गया। वाटर इज जस्ट फोरिंग डाउन फ्रॉम अ माइटी फॉल्स कॉल्ड द नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल में से पानी बड़े प्रभावशाली तौर पे नीचे उसकी धारा बह रही थी। 365 डेज इन अ ईयर। 365 दिन साल के। 24 आवर्स इन अ डे। 24 घंटे दिन में। यू कैन गो ऑन वॉचिंग इट। आप उसको जाके निरंतर देख सकते हैं। यू विल नेवर गेट टायर्ड। आप कभी भी थकेंगे नहीं। A man was standing next to me told me. एक व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा था, उसने मुझसे कहा, Sir, you see the mighty power of God here. श्रीमान, आप परमेश्वर के महान सामर्थ्य काम को देख सकते हैं। Without his knowledge, he was exclaiming like that. अब बिना उसके ज्ञान के वो इन बातों को कह रहा था। Sir, we see the mighty power of God. श्रीमान, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखिए। Some time ago, a little fellow asked our President Abdul Kalam. और कुछ समय पहले एक छोटा सा इंसान ने अब्दुल कलाम से पूछा। You know, he's a great scientist. वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है हमारे राष्ट्रपति। Little fellow asked him this question. छोटे इस बच्चे ने एक सवाल यूं पूछा। Mr. President, do you believe in God? क्या आप परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं? President Kalam said. और राष्ट्रपति कलाम ने कहा। Yes. हाँ। When I see the stars. जब मैं तारों को देखता हूँ। When I see the sun and the moon. जब मैं सूर्य और चंद्रमा को देखता हूँ। When I see the planets over there. जब मैं सारे ग्रहों को देखता हूँ वहाँ पे। I believe there is a great God who has created this. मैं विश्वास करता हूँ कि एक महान परमेश्वर है जिसने सारी चीजों को बनाया। My brother, मेरे भाई, Hebrews 11:3 says. इब्रानी 11 उसके 3 में लिखा हुआ है। He created the entire universe by the power of his word. अपने वचन के सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर ने सारी चीज का निर्माण किया। Hebrews 1:3 says. इब्रानी 1 उसका 3 में लिखा हुआ है। God upholds the entire universe by the word of his power. अपने वचन के सामर्थ्य सारे विश्व को थामे हुए हैं। Psalm 147 verses 4 and 5 say. भजन 147 4 और 5 में लिखा है। He has counted all the stars in heaven. उसने आसमान में सारे तारों को गिन के रखा है। He calls them each one by a separate name. और उनको हर एक के अलग अलग नाम दिया और बुलाता है। Jeremiah 5:22 says. और यरमिया 5 उसका 22 में लिखा हुआ है। He has commanded the sea not to cross the border and march into the land. और उसने समुद्र की सीमा को निर्धारण किया है कि वह आगे न बढ़े। Bible says. बाइबल में लिखा हुआ है। Psalm 62:11. और भजन संहिता 62 उसका 11 में। Power belongs to God. सामर्थ परमेश्वर का है। Power belongs only to God. और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ है। Jeremiah 32:27. और यरमिया 33 उसका 27 में लिखा है। I am the Lord, the God of all flesh. मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ मैं। Is there anything too hard for? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Oh my brother. ओह मेरे प्यारे भाइयों। My sister. मेरी बहनों। If you believe in God. यदि आप परमेश्वर के पर यकीन करते हैं। His mighty power are at your command and whim. उसके सारे सामर्थ आपके हाथ में रहेंगे। Because your father in heaven is a God of power. क्योंकि आपका जो पिता है आसमान में वो सामर्थ का परमेश्वर है। Your God in heaven is a great God. आपका सर्वशक्तिमान जो आसमान का है महान है। God of authority and supernatural power. वो अलौकिक और अधिकार का परमेश्वर है। All things are possible with him. उसके साथ सारी बातें संभव हैं। All your problems are nothing before him. उसके सामने आपकी कोई भी परेशानी कुछ भी नहीं। Tonight he will challenge your problem. और आज रात वो आपकी समस्या को चुनौती देगा। He will destroy your problem. वो आपके समस्या को नाश करेगा। Demons will cry out before him. दुष्टात्माएं उसके सामने चिल्लाएंगी। And he will bless you with all his heart. और आपको अपने दिल से आशीर्वाद देगा। This is one side. और ये एक तरफ है। What about the other side? लेकिन दूसरी तरफ की क्या बात है? Genesis 17:1 says. और उत्पत्ति 17:1 में लिखा है। He has the bosom, the breast of a feeding mother. और उसके पास एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वो माँ के समान दूध पिलाता है। The feeding mother is full of compassion for her child. दूध पिलाती भी माँ अपने बच्चों के लिए तरस से भरे रहती है। Psalm 86:15. भजन संहिता 86 उसका 15 में लिखा है। Psalm 111:4. भजन 111 उसका 4 में लिखा है। Psalm 145:8. 145 उसका 8 में लिखा भजन। Nehemiah 9:17. Nehemiah 9 उसका 17 में लिखा है। And Joel 2:13. Joel 2 उसका 13 में लिखा है। All these verses say. ये सारे वचन यूं कहते हैं। God is a God full of compassion. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया से भरा हुआ है। Bible says in Isaiah 49:15. और Isaiah उसका 49:15 में लिखा है। Will a mother
ever forget her sucking child? क्या माँ दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? Will she have no compassion for the son of her womb? क्या अपने गर्भ के बच्चों के ऊपर वो तरस नहीं खाएगी? Even if she forgets, I will not forget you. यदि वो दूध पिलाती माँ भूल जाए तो भी मैं नहीं भूलूंगा कहता है। Some time ago there was a great earthquake in Iran. ईरान में कुछ समय पहले एक बड़ा भूकंप आया। Hundreds of people perished. कई सौ लोग नाश हो गए। The salvaging committee was going on looking into the rubbles to see whether there was still somebody alive. और लोग ढूंढ-ढांढ कर रहे थे, ढूंढने वाले अभियान में थे कि किसी को ढूंढ निकाले जो बच्चा पाया जाए। After 72 full hours. और 72 घंटे के बाद में they saw the body of a mother. उन्होंने एक ऐसी माँ के देह को देखा। The mother had a little feeding child in her bosom. और एक माँ थी अपने दूध पिलाती हुई बच्चे को पकड़ी हुई थी। The child was alive. और बच्चा जीवित था। It has just fed the breast milk of the mother. और वो अपने माँ के दूध को पी रहा था। It was alive. वो जीवित था। The mother has just died. और माँ उस समय मर गई थी। The mother was gasping for breath. और माँ अपने सांस ले रही थी जीवित रहने के लिए। अपने खोए हुए को ढूंढ रही थी। लेकिन अपने बच्चों छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। That is the love and compassion of a mother. और ये है माँ का प्यार और तरस। God says, लेकिन परमेश्वर यूँ कहता है। There may be moments even when your mother may forget. हो सकता ऐसा भी क्षण है जब आपकी माँ आपको भूल जाए। I will never do that. लेकिन परमेश्वर कहता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। Never do that. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। Full of compassion. वो पूरे तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। Dear of my brother. वो तरस से भरा हुआ प्रभु है। I read into the definition of the word compassion. मैं उस तरस के संक्षिप्त विवरण को देख रहा था। Compassion means. तरस का मतलब ये होता है। Sharing the suffering of somebody else. आप किसी और के दुख के साथ सहभागी हैं। That is compassion. और ये होता है तरस। Several years ago. कई साल पहले की बात है। There was a fire accident in Bombay. बॉम्बे में एक भयानक आग लग गई। Young man was burnt very badly. और एक जवान व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से जल गया था। Was admitted in the hospital. वो अस्पताल में दाखिल दिया गया। His life was precarious. उसका जीवन भयानक स्थिति में था। Somebody told the doctor, "Do something for him, sir." किसी ने डॉक्टर से कहा कि इसके लिए कुछ कीजिए आप। Doctor said. डॉक्टर ने यूँ कहा। He is thoroughly burnt. ये बिल्कुल जल चुका है। Give me skin. मुझे चमड़े दो। And I will save him. और मैं इसको बचा लूँगा। Nobody wanted to give his or her skin. कोई भी व्यक्ति अपना चमड़ा देना नहीं चाहता था। The boy's mother came. वो लड़के का माँ आया। She said, "Doctor." उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब। Take all the skin from my body. मेरे शरीर से हर एक चमड़े को निकाल डालिए। Take all the skin that is necessary. सामने चमड़े को निकाल लीजिए जो आपको जरूरत लगे। Let me die. और मुझे मर जाने दीजिए। Let my son live. लेकिन मेरा बेटा को जीने दीजिए। Let me die. मुझे मर जाने दीजिए। Let my son live. मेरा बेटा जीवित रहे। That is compassion. ये होता है तरस। My precious brother. मेरे प्यारे भाई बहनों। The Bible says. बाइबल में लिखा हुआ है। First John chapter 2 and verse 16. पहला यूहन्ना 2 उसका 16 में। Because Jesus gave his life for us, we know what is love. यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया इसलिए हम जानते हैं प्यार क्या है। Galatians 2:20 says. गलती के पति 2 उसका 20 में लिखा है। He loved me and gave himself for me. उसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। That is compassion. और ये होता है तरस। Oh, the wonderful compassion of Jesus. यीशु मसीह का अद्भुत तरस। Cheer up, my brother. मेरे भाई बहनों आनंदित हो जाइए। Cheer up, my sister. मेरी बहन आनंदित हो जाइए। May have 1 million needs today. हो सकता है आपके पास करोड़ों जरूरतें हों। But here is a God who is moved with compassion for you. लेकिन एक ऐसे परमेश्वर के पास जाइए जो तरस से आपके सामने आता है। Compassion for everyone. हर एक के लिए वो तरस खाता है। Compassion for everyone. हर एक के लिए तरस खाता है। Compassion for everyone in this ground tonight. इस मैदान में जितने लोग हैं सबके पर तरस खड़ा है। Because he gave his life and tasted death for everyone. इसलिए उसने अपना जीवन को दिया और मौत का स्वाद को चख लिया सबके लिए। Everyone must be blessed tonight. सबको आज आशीष पाना है। Not because of your faith. इसलिए नहीं कि आपके विश्वास की वजह से। But because of the love and compassion of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम और तरस की वजह से। Remember that mother. याद रखिए उस माँ को। That said. माँ ने यूँ कहा। Take all the skin. मेरे सारी चमड़े को ले लो। Let my child live. और मेरे बेटे को जीने दो।
Jesus said the same thing. यीशु मसीह ने भी वही बात को कहा. Take my body. मेरे शरीर को ले लो. Break it to pieces. टुकड़ों में तोड़ डालो. Put every sin upon me. मेरे पर सारे पाप को लाद दो. Put every grief and sorrow upon me. हर एक दुख तकलीफ को मेरे पर में लाद दो. Put the agony of death upon me. मौत के दुख को मेरे पर में डाल दो. Put every agony of sickness upon हर एक रोग के तलपन को मेरे पर डाल दो. Let me die. मुझे मर जाने दो. Let my child live. मेरे बच्चे को जीने दो. My brother. मेरे भाई. My sister. मेरी बहने. सुनाए. आज की रात. You have come to your God of compassion. आप एक तरह से भरे हुए परमेश्वर के पास आए हैं. He is shedding tears for you. वो आपके लिए अपने आंसू को बहाया. He said. और वो यूँ कहता है. Mother may forget. तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती है. My son, your mother may forget. मेरे बेटे पर आपकी माँ भूल सकती है. I will not. मैं नहीं भूलूंगा. I will not. मैं कभी नहीं भूलूंगा. Oh, what a wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास में है. Cheer up. आनंदित होइए. Cheer up. आनंदित हो जाएं. Standing by your side. वो आपके बगल में खड़ा है. Tonight he is going to embrace you. आज की रात वो आपको आलिंगन कर लेगा. Going to kiss you. आपको चुम्बन देगा. Going to wipe away your tears. आपके आंसुओं को पोछ डालेगा. And grant whatever you ask him to do. और जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आपके लिए करेगा. My friend, मेरे मित्र, I'm ready to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ. You may be broken hearted. हो सकता है आपका हृदय टूटा हुआ. You may have been a failure. आप असफल रहे. But Jesus loves you. और यीशु आपसे प्रेम करते हैं. He is alive. वो जिंदा है. He is ready to lift you up by giving you his wisdom. आपको अपना ज्ञान देने के द्वारा वो आप ऊपर उठाने के लिए तैयार है. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना. Call on the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकार. He is by your side. वो आपके बगल में है. Now he will listen to our joint prayers. अब हमारे सहभागिता की प्रार्थना को सुनेगा. He will lift you up. और वो आपको उठाएगा. And give you a very successful blessed future. और आपको एक बहुत ही आशीषमय भविष्य देगा. But you need Jesus in your heart. लेकिन आपको अपने हृदय में यीशु को रखना आवश्यक है. Open your heart. अपना हृदय खोलें. Open your heart. अपना हृदय खोलें. He is ready to come into you. वो तैयार है कि आपके अंदर अंदर प्रवेश. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father, पिताजी, we together pray in the name of Jesus. हम एक साथ यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Enter into your children, Lord. अपने बच्चों के अंदर में आप प्रवेश करें प्रभु जी. Fill them with thy mighty Holy Spirit now. इसी समय आप उन्हें अपने सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दें. And every fear leave them now. हर एक भय उन्हें इसी समय छोड़कर चला जाए. Let every sin leave them now. हर एक पाप उन्हें इसी समय छोड़कर चला जाए. Let every addiction leave them now. हर एक व्यसन उन्हें इसी समय छोड़कर चला जाए. Let every attack of the devil leave them right now in Jesus' name. शैतान का हर एक आक्रमण उन्हें इसी समय यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए. Let your people have peace. आपके लोग शांति को प्राप्त करें. God's peace. परमेश्वर की शांति. God's power. परमेश्वर की सामर्थ. God's deliverance. परमेश्वर का उद्धार. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Father. पिताजी. Fill your people with wisdom. अपने लोगों को अपने ज्ञान से भरें. From today. आज से. When they study, they should feel that you are sitting by their side. जब वे अध्ययन करें उन्हें महसूस हो कि आप उनके बगल में बैठे हैं. Put everything into their heart. उनके हृदय में हर एक बात को डालें. And help them to have the ability to do very well in the examination. और उनकी सहायता करें कि वे अपनी परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर करने में सक्षम. Give them wisdom to do their jobs. अपने कामों को करने के लिए आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें. Give them wisdom to run their families without debt. अपने परिवारों को बिना कर्ज लिए चलाने के लिए आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें. Give them wisdom to build a house. उन्हें ज्ञान दें कि वे अपने लिए एक घर बना सकें. In Jesus name. यीशु के नाम. In Jesus name. यीशु के नाम. Let the wisdom of God flow into them and lift them up in life, Lord. परमेश्वर की बुद्धि उनके जीवनों में बह जाए. उनको उनके जीवन में ऊपर उठा प्रभु जी. Let them read the Bible every day. वे प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें. And have your wisdom coming to them. और आपका ज्ञान उनके अंदर में प्रवाहित हो जाए. We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं. We love you, Lord. आपसे प्रेम करते हैं. We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं. मुरली मुरली. You have a back problem.
आपको एक कमर में समस्या है. Power of the Holy Spirit is coming into you and God heals you. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर आ रही है और प्रभु आपको चंगा कर रहा है. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you for doing this miracle. ये चमत्कार करने के लिए आपका धन्यवाद. We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं. Bless thy children. अपने बच्चों को आशीष दे. Let this day be a very blessed day for them. होने दें कि ये दिन उनके लिए एक आशीष का दिन हो. In Jesus name. यीशु के नाम. Amen. आमीन. मेरा नाम दर्शना दिनकर घाटवी सावे है. मैं मिल्ट्री डेयरी फार्म अहमदनगर में रहती हूँ. मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है और हमारे घर में बहुत मुश्किलें आई. हमने पॉल दिनकरन से प्रेयर किया, लेटर लिखा और हमारे घर में बहुत सारी गवाहियाँ भी दी मम्मी पापा ने. नाम मेरा दिनकर भास्कर घाटवी सावे. मम्मी आर्मी में नौकरी करके अभी एक सर्विसमैन घर में फिलहाल बैंक में सर्विस करता हूँ. मेरा नाम जया दिनकर घाटवी सावे. मैं महाराष्ट्र में अहमदनगर रहती हूँ. प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो बहुत महान सामर्थ्य शक्ति प्रभु परमेश्वर है. वो हर एक की इच्छा पूरी करता है, जैसे कि मेरी इच्छा पूरी की, हमारे परिवार को सबको प्रभु परमेश्वर ने इतना ऊंचाई तक किया. हमारी लायक भी नहीं था यहाँ स्टेज पर खड़े होने के, लेकिन प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. उसने मेरी एक इच्छा पूरी की. मेरी मुझे सरकारी नौकरी मिली. मैंने लेटर लिखा था पॉल दिनकरन अंकल को, उन्होंने प्रेयर किया और मेरी इच्छा पूरी हो गई. मुझे आज सरकारी नौकरी मिली, इसलिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. हमें बहुत खुशी हो गई. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने दर्शनों को अच्छी सी सर्विस दी. हम बहुत खुश हो गए. आज वो मिलते हॉस्पिटल में सर्विस करती, उसको 20,000 रुपए पगार है. प्रभु को कितना भी धन्यवाद दिया तो कमी है, क्योंकि हमारी परमेश्वर, हमारे को विश्वास है कि हमारी प्रार्थना वो सुनता है और उसका उत्तर देता है. आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है. भाई पॉल दिनकरन ने मुझे एक सिलाई की मशीन भी प्रदान की है और इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मुझे प्रदान किया गया है. उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझसे इस ट्रेनिंग के विषय में पूछा और मैंने उन्हें बताया कि मैंने सिलाई को अच्छी तरह से सीख लिया है. शीशा के द्वारा जो मुझे सिलाई की मशीन प्राप्त हुई है, उसके द्वारा मैं करीब 5,000 रुपए प्रति महीने कमा लेती हूँ. अब मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ, उनकी हर जरूरतों को भी पूरा कर सकती हूँ. मेरे पति इस बात से बहुत खुश हैं कि मैं हर महीने पैसे कमाकर परिवार को चलाने में उनकी मदद कर रही हूँ. मैं शीशा का और भाई पॉल दिनकरन का पूरे हृदय से धन्यवाद करती हूँ. आज की आर्थिक स्थिति में गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को उठाया जाना आवश्यक है. अतः अन्य आय प्रदाता कार्यक्रम जैसे मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण, हस्तकला प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की आर्थिक मदद, जागरूकता शिविर और इन सब के अलावा विधवाओं को मासिक पारिवारिक सहायता तथा और अनेक सेवाएं शीशा महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के द्वारा सतत 11 राज्यों में संचालित किए जा रहे हैं. इस सेवा को जारी रखने और परियोजनाओं के विस्तार हेतु हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप सप्रेम अपना योगदान इन गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु देकर हमें सहयोग प्रदान करें. एक महिला के स्वरोजगार हेतु एक व्यवसायिक सिलाई मशीन की कीमत है 10,000 रुपए. एक सिलाई के रख रखाव हेतु प्रति माह का खर्च है 5,000 रुपए. प्रत्येक दल में एक महिला के प्रशिक्षण हेतु सिलाई केंद्र का खर्च है 1,500 रुपए और प्रत्येक दल में एक महिला के प्रशिक्षण हेतु हस्तकला केंद्र का खर्च है 1,000 रुपए. विधवाओं को मासिक पारिवारिक सहायता हेतु 500 रुपए. आप अपनी दान राशियों को शीशा के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं. शीशा 16 डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड, चेन्नई 600028. आप अपनी दान राशियों को हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.seesha.org. याद रखिए, आपकी हर दान राशियां ATG के अंतर्गत कर से मुक्त है. आइए जीवन दें.
Mrs. R. S. Jayasree from Mumbai. Along with you, I wish your grandson, Karwin Ashok, a happy 7th birthday. Mumbai se Mrs. R. S. Jayasree, aapke saath mil karke, aapke pote Karwin Ashok mein, uske 7th janmdin ki mubarak baat deta hoon. God bless you according to Isaiah 54 and verse 8. With everlasting kindness, God will show compassion on him.